आज के वीडियो में हम सीखेंगे गूगल मैप का उपयोग कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल मैप ओपन कर लेना है। जिसके मोबाइल में अगर गूगल मैप नहीं है तो वो प्ले स्टोर से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पे हमारे मोबाइल में गूगल मैप ओपन हो चुका है। उसके बाद गो के ऊपर जो पॉइंट दिया है उस पर क्लिक करना है, जिससे वो हमारी एक्चुअल लोकेशन ट्रैक कर लेता है। अब गूगल मैप पर एक ऊपर सर्च बार दिया है, उस पर जाना है। उस पर जहाँ भी आपको जाना है, जो भी लोकेशन है आपको सर्च करना है, वो इसमें टाइप कर देंगे। जैसे मैंने अभी सर्च किया दिल्ली, सर्च करो। यहाँ पे दिल्ली सर्च होके आ गया है। अभी हमको ये डायरेक्शन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। तो हमें ये हमारी लोकेशन से जो सर्च किया है वो लोकेशन की डायरेक्शन दिखाता है, और साथ ही साथ ये हमें ये भी बताएगा इसकी दूरी क्या है। तो यहाँ पर दिल्ली की दूरी हमसे लिखी आ रही है 365 किलोमीटर, और हमें पहुँचने में कितना समय लगेगा वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे 6 घंटे 59 मिनट। अगर हम बाइक से जाते हैं तो बाइक पे क्लिक कर दो तो हमें ये बाइक का टाइम दिखाएगा 7 घंटे 4 मिनट। अगर हम बस से जाते हैं तो बस पे क्लिक कर दो, ये हमें बस का टाइम दिखाएगा 4 घंटे 35 मिनट। ठीक है, जैसे हम बाइक से गए, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये नेविगेशन हेड ईस्ट एंड टर्न राइट स्टार्ट हो गया। अगर आपको वॉइस लेफ्ट राइट सुनना है, दिस रूट अवॉइड्स रोड क्लोजर्स ऑन नेशनल हाईवे 19, यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट, यू शुड रीच योर डेस्टिनेशन बाय 7:56 PM। अगर इसे म्यूट करना है तो म्यूट भी कर सकते हो आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये नेविगेशन हमें दिखाएगा कि हमें लेफ्ट कब लेना है, राइट कब लेना है, और ये हमें हमारी लोकेशन तक पहुंचा देता है। गूगल मैप के द्वारा आप किसी भी लोकेशन को, जैसे कोई शहर है या कोई पर्टिकुलर जगह है, किसी गार्डन का नाम है या कुछ भी, आप सर्च करके आप आसानी से वहां तक जा सकते हो। जैसे आपको सर्च किया पेट्रोल पंप, आपके आसपास जो भी पेट्रोल पंप होगा वो इसमें सर्च होके आएगा, पेट्रोल पंप नियर मी। ये सर्च किया, आपको अपने आसपास के सभी पेट्रोल पंप इसमें सर्च होके आ जाएंगे। अभी आपको जाना हो तो इस डायरेक्शन क्लिक पर क्लिक करेंगे और ये आपको उसकी दूरी, उसका टाइम और कहाँ कैसे जाना है वो आपको सब यहाँ शो कर देगा। जैसे यहाँ लिखा है 4 मिनट आपका टाइम लगेगा, 650 मीटर की ये दूरी पे है आपको जाना है, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करो और ये नेविगेशन स्टार्ट हो गया। इसी तरह हमें अपने आसपास कोई ATM है ये चेक करने के लिए हमें सर्च करना होगा ATM नियर मी। सर्च करेंगे जितने भी ATM हमारे पास में होंगे वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। जिस पे भी आपको जाना है उस पर डायरेक्शन करो और उसके बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दो, ये हेड ईस्ट देन टर्न राइट, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि गूगल मैप का उपयोग कैसे करते हैं।